मैं अभी आपको पीपीटी अपलोड करके पढ़ाता हूँ और आप लोग कैसे बताओ यार, कुछ तो बताओ, आप लोग कुछ बताते हैं या चैट बॉक्स यूज कर लो, जब तक मैं पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ बात कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ बस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, और भाई कैसा है? बस पीपीटी अपलोड हो जाए। बढ़िया सर, आप बताओ। यार मैं ठीक हूँ, मैं एक क्लास लेकर आया हूँ बस, तो इसलिए मैं 2 सेकंड लेट हो गया। पीपीटी आज हम आपको मैंने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था ये बताओ, वो जो साइंस के क्वेश्चन छोड़ के मैंने एक लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था ये बताया। बताओ, कोई पढ़ता भी है भाई? कॉर्पोरेट टैक्स कराया था आपने? मैंने कॉर्पोरेट टैक्स करवाया था, राइट? अच्छा, वो सब करा दिया था, मतलब वो चैप्टर मैंने खत्म कर दिया था, है ना? वो चैप्टर मैंने खत्म कर दिया था। आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री पढ़ेंगे हम, ठीक है? और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ खाली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप आगे किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी या कहीं भी एक इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, कहीं भी एक इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां भी ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये विशाल कह रहा है सरदार जबरदस्त जिंदाबाद, बहुत बढ़िया भाई, लेट नहीं हुआ विशाल, मैं क्लास ले रहा था तो यहीं पे ले रहा था, इसलिए आईएएस की क्लास थी आज। सर वीडियो नहीं दिख रही है, वीडियो आ जाएगी यार, ऑन तो कर दिया मैंने, एक मिनट रुक जाओ बस, कर तो दिया मैंने। अब आ गई, पता नहीं वीडियो आ गई, ओके अब आ गई वीडियो। अंजलि जैन आ गई, मेरी प्रिय दोस्त अंजलि जैन। अच्छा सुनैद कैसा है भाई? अच्छा है। अच्छा आज हम पढ़ेंगे भाई इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे जीएसटी के बाद, वो चैप्टर खत्म हो गया था गगन, गगन शुरू करते हैं इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहली चीज मुझे बताओ यार, भारत देश का सबसे पहला बैंक कौन सा है? इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन सा है, सोच समझ के बता। इसमें मैं बैंक्स ही बैंक्स बताऊं, बताओ। आरबीआई नहीं है यार, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन बताएगा? नहीं, विष्णु चरण गलत है, जो बताएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, बट फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? द फर्स्ट एवर बैंक ऑफ, क्या कह रहे हैं भाई सपने? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वेरी करेक्ट, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सो आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने नोटबुक में लिख भी लीजिए, ठीक है, उसको नोटबुक में लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है। हम इंडिया के काफी सारे टाइम और स्पेस, अलग अलग टाइम में जो इंडिया में बैंक्स हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1770 में, कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1770 में, ठीक है, 1770 में एस्टैब्लिश हुआ था। और इस बैंक का नाम क्या है? इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। सो राइट डाउन द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, एस्टैब्लिश्ड इन 1770 में यह बैंक एस्टैब्लिश हुआ था, क्लियर?
इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए भाई, सिंपल एक स्टेटमेंट बोला। अब बात ये आती है कि ये बैंक किसने एस्टैब्लिश किया था, ये बैंक एस्टैब्लिश किया था भाई अलेक्जेंडर एंड कंपनी, किसने एस्टैब्लिश किया था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने, और ये एक इंग्लिश कंपनी थी, इंग्लिश कंपनी थी और ये कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ था। सो बैंक ऑफ हिंदुस्तान एक इंग्लिश कंपनी ने एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम अलेक्जेंडर एंड कंपनी, और ये कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये बैंक क्लोज हो गया था 1832 में, ये बैंक क्लोज हो गया था 1832 में। सो द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 एस्टैब्लिश हुआ, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने एस्टैब्लिश किया, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर्स था और 1832 में ये क्लोज हो गया। सो प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी इन कलकत्ता, इन कलकत्ता, कलकत्ता में। अब देखो मैं एक चीज पहले ही बोल देता हूँ, मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कल तनु मैम से भी ये बात कर रहा था, मैंने उनको भी बोला आप लोग जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे उतना मैं इनडेप्थ नॉलेज दूंगा, ये मेरी फिलॉसफी है। जितने क्वेश्चंस पूछना है, रबिश से रबिश क्वेश्चन पूछ रहे हो उतना मैं इनडेप्थ ले जाऊंगा, वरना भैया मैं स्लाइड से बाहर कैसे ले जा पाऊंगा, वरना मैं कैसे ले जा पाऊंगा, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। अगर मैं अपने साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिस्ट देखूं तो आधे से ज्यादा लोगों ने हेडफोन लगा रखा है, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप रिस्पॉन्ड करिए, ठीक है। और ये बैंक सर टॉपिक से अलग कुछ पूछना है, अंजलि पूछ लो भाई, ऐसा क्या है, ऐसे क्या पूछना है, इस बैंक इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री से अलग पूछना तुझे, माइक्रोफोन ऑन कर ले, करंट अफेयर्स की क्लासेस क्यों नहीं लग रही है, करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली होती है यूट्यूब पे, ठीक है, लाइव होती है, और अगले हफ्ते से मैंने आपको करंट अफेयर्स की नई फैकल्टी दी है, मैंने तनु मैम को फैकल्टी हैंडओवर भी कर दिया, मिस्टर संजीव उनका नाम है, वो पढ़ाएंगे आपको करंट अफेयर्स, ओके, ठीक है। मैं क्यों नहीं, मैं इसलिए नहीं क्योंकि यूपीएससी में मेरे लेक्चर नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो गए, पॉलिटी के साथ गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला हो गया, तो मेरे को वहां ज्यादा लेक्चर देने, और अगर मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ तो मैं ये दो क्लास नहीं ले पाऊंगा, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इस वजह से, ओके ओके। बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्लोज हो गया था 1832 में, 1832 में क्लोज हो गया था, मतलब ये कुछ साल बाद ये बैंक बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये हर पेपर में क्वेश्चन आता है, विच इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, एस्टैब्लिश्ड इन 1770 बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी एंड इट वाज क्लोज्ड इन 1832। अब बात करते हैं सेकंड बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक है, भारत का दूसरा बैंक, द सेकंड बैंक ऑफ इंडिया इज जनरल बैंक ऑफ इंडिया, क्या नाम है उसका जुनैद, क्या नाम है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो ये खाली 5-6 साल मैक्सिमम चला, एस्टैब्लिश 1786 में हुआ और ये 1791 में क्लोज हो गया, 1786 से 1791 तक ये चला, उसके बाद दिस बैंक गॉट शट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है सेकंड बैंक ऑफ इंडिया क्या है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, 1786 में खुला और 1791 में बंद हो गया। जुनैद अपना माइक्रोफोन थोड़ा सा बंद कर दिया, आप बंद कर दिया मैंने क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, इको कर रहा है, ओके। इतना समझ में आ गया, इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है आपको, दीपाली है, जुनैद है, नो, अंजलि जैन, ओके परफेक्ट, स्वप्न, मुकुल, नैना, प्रिया, आपके लिए जो नया ही टॉपिक है तो फिर आप आंसर क्यों नहीं दे रहे, आयुषी, अविरल, गौरव, ओके। अब हम बात करते हैं भारत देश में कुछ प्रेसिडेंसी बैंक होते थे, भैया प्रेसिडेंसी बैंक क्या होता है, प्रेसिडेंसी बैंक क्या होता है, कौन बताएगा। अगर मैं इंडिया को डिवाइड करता हूँ, क्या कहता हूँ, इंडिया को डिवाइड करता हूँ, तो जो ब्रिटिश इंडिया था ना उसमें काफी सारे प्रेसिडेंसीज होते थे, लाइक बॉम्बे, बॉम्बे, कलकत्ता, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है, ये सारे भारत के प्रेसिडेंसीज थे, मेजरली ये तीन प्रेसिडेंसी थे। अभी भाई बंगाल भी ले लो, ठीक है, चार, विशाल ने याद दिलाया,
ठीक है भैया, कैलकटा लिख तो दिया था तूने, उसमें भी मेरे को गलत करा दिया, ठीक है मैं दोबारा लिख देता हूँ, खुश रह तू। बॉम्बे, बंगाल, मैड्रास, विशाल, ये सब मैंने तुमको पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। ये तीन प्रेसिडेंसीज थे। अब भाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अगर आप उसको अपने आप को विजुअलाइज करो ना, तो पूरा जो गुजरात का एरिया है वो सब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, जो ओडिशा वाला जो ईस्टर्न पार्ट है वो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता है, और साउथ का जो एरिया है वो मैड्रास प्रेसिडेंसी में आता है, ठीक है। अब बेसिकली यार ये प्रेसिडेंसी का एडवांटेज क्या है, ये प्रेसिडेंसी का एडवांटेज क्या है, या प्रेसिडेंसी होते क्या, ठीक है, ये प्रेसिडेंसी का एडवांटेज क्या है, प्रेसिडेंसी होते क्या। ब्रिटिश इंडिया ने अपने गवर्नेंस के ईज के लिए, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इंडिया को अलग अलग प्रेसिडेंसीज में बांट रखा था। अब इसका बैंकिंग से क्या लेना देना है भाई, प्रेसिडेंसी तो हिस्ट्री पॉलिटी का पार्ट हो गया ना, इसका बैंकिंग से क्या क्या लेना है। इंडिया के अलग एरिया में, इंडिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की बैंक्स होती थी। बॉम्बे में एक बैंक हुआ करता था, बंगाल में एक बैंक, मैड्रास में एक बैंक, ठीक है। अब बॉम्बे का जो बैंक है, बंगाल का जो बैंक है, मैड्रास का जो बैंक है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, आपके पेपर में क्या आएगा कि उस प्रेसिडेंसीज में जो बैंक था उसका फॉर्मेशन कब हुआ और वो एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर था, बंगाल में था तो बंगाल में कहां पर था, बॉम्बे में था तो बॉम्बे में कहां पर था, ठीक है, और उस बैंक का नाम क्या था, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल में बैंक ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल एक बहुत पुरानी जगह है, बैंक ऑफ बंगाल इसका फॉर्मेशन कब हुआ, बैंक ऑफ बंगाल इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कौन बताएगा बैंक ऑफ बंगाल। अब मैं ऊपर से शुरू करता हूं, मैं नाम लूंगा अविरल, आयुषी, आयुषी बताओ बेटा, गौरव, नहीं जुनैद ने कह दिया नहीं पता, स्वप्निल कह रहा है नो आइडिया, विष्णु, वैशाली, प्रिया, दोनों। बैंक ऑफ बंगाल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1806, कब हुआ था 1806, कब हुआ था 1806, और ये एस्टैब्लिश किसने किया था, ये एस्टैब्लिश किसने किया था इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एस्टैब्लिश है बंगाल में, कहां पर हुआ था, कैलकटा में हुआ था 1806, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी बैंक्स, सो द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक वॉज बैंक ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल में हुआ था एस्टैब्लिश, और ये 1806 में कैलकटा में, बंगाल में कैलकटा, जो बंगाल का कैपिटल है कैलकटा, वहां पर हुआ था, ठीक है। अगली बात करते हैं बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे, और ये सारे क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्ट आएंगे। बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे में स्थापना हुई थी उसकी, और कब हुई थी बैंक ऑफ बॉम्बे, कब हुई थी, ईयर बताओ, जल्दी बताओ, जो बताएगा वो उसको कोरोना वायरस का वैक्सीन मिलेगा, अविरल को मिलेगा कोरोना वायरस का वैक्सीन। और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 हुई थी, ठीक है, कब हुई थी 1840। अब बंगाल के बाद है मैड्रास, मैड्रास में जो बैंक था उसकी स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज बैंक ऑफ मैड्रास एस्टैब्लिश, व्हेन वाज बैंक ऑफ मैड्रास एस्टैब्लिश, बताओ जल्दी बताओ। अंजलि जैन आंसर कर रही 1843, वेरी गुड। कभी कभी मुझसे डांट खाते है, बट ये लड़की कमाल की लड़की है, इंटेलिजेंट गर्ल है, ठीक है। सो बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एंड बैंक ऑफ मैड्रास 1843। याद रखना, कैसे याद रखोगे, बंगाल सबसे पुराना था तो 1806, उसके बाद 1840 में बॉम्बे और 1843 में मैड्रास, तो ये याद रखना, ठीक है। इतना याद रखें, क्या होंगे लोकेशन क्या है बैंक ऑफ मद्रास की, मैड्रास ही थी, ओके मैड्रास। अब ये तीन बैंक कौन से तीन बैंक, जुनैद, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, थोड़ा ऊंचा बोल ले, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, वेरी गुड। ये तीन बैंक आगे जाके मर्ज हो गए थे, मतलब मिला दिया गया था, मर्ज होने के बाद ये एक बन गए थे, उस एक बैंक का नाम क्या था, नहीं पता सर,
सोच के बताओ। अंजलि जैन आंसर मत देना, अंजलि जैन आंसर मत देना भी जब तक मैं ना बोलूं। और अंजलि ज्योग्राफी की क्लास अटेंड कर लिया गया, ठीक है, डांटती है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास ही नहीं अटेंड करेगी। ये तीन बैंक आगे जाके मर्ज होकर क्या बना था जल्दी बताओ, ये तीन बैंक आगे जाकर मर्ज होकर, यशिका बताएंगी मुझे, यशिका बताएंगी। अब यार तुम कहते हो तुम बैंक का नाम आज ले चुके हो, यशिका अनम्यूट योरसेल्फ। सर मुझे आइडिया नहीं है। गेट आइडिया यशिका, यशिका हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? सॉरी सर बोलो, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? नो सर। नो, यू आर स्टिल इन योर ग्रेजुएशन? नो सर, अभी जस्ट इस ईयर 12th पास करी है। अच्छा, अभी आप छोटे बच्चे हो। अच्छा जुनैद, आरबीआई नहीं है बेटा, जुनैद तेरी शादी नहीं हो पाएगी ऐसे। दिस बैंक विच वॉज मर्ज इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम जुनैद ने ही शायद स्टार्टिंग में लिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दैट मीन्स बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास मर्ज टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किस साल? इन ईयर 1921 दिस बैंक्स वर मर्ज्ड टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास मर्ज्ड टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन ईयर 1921। हर बार क्वेश्चन आता है मेंस में, हर बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से याद रखना। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब आगे सुन लो कहानी, आगे कहानी सुने कृपया करके। 1921 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, बट आगे जाकर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में इसका नाम बदल गया, 1955 में इसका नाम बदल गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे जाकर इसका जो नाम बदलने के बाद कौन सा बैंक बना ये बताइए, कौन सा बैंक बना? वेरी गुड आयुषी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना 1921 से। ये आगे जाकर क्या बना बच्चे? ये बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? सो दिस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वेंट ऑन टू बी कम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? 1921 में जो इंपीरियल बैंक बना था तीन बैंक के मर्जर से, वो आगे जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। रोहन माइक्रोफोन ऑन किया। सर ये 1921 में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया या उसी साल में या अगले किसी साल में बना? ये आगे जाकर 1955 में बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही मैं बताने वाला था। ठीक है, मैंने कहा ना आगे जाकर, दैट मींस तीन बैंक मर्ज हुए और वो बने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और वो बने 1921 में, और ये इंपीरियल बैंक आगे जाकर 1955 में बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बताएं आप लोग। हाँ नो सर, क्लियर है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं बस इतना पता है कि आरबीआई 42 समथिंग कोई एक्ट है जो मे बी एसबीआई से पहले होना चाहिए, पर आपने वो भी नहीं बताया। तो अभी मैं आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा होगा तो मैं वहां बता दूंगा। वैसे मैं बता देता हूँ, आरबीआई एक्ट 1934 है, ठीक है, ओके, इट्स इन 1934, मतलब एक्ट बना था 1934 में एंड इट गॉट इंप्लीमेंटेड इन ईयर 1935, ठीक है, ओके, और ये जो मैंने डेट बताया इट्स 1955,
ओके अभी मैं सारे बैंक्स के बारे में बता रहा हूँ, इसमें आगे जाके मैं आरबीआई के बारे में भी बताऊंगा, और आरबीआई का अपना अलग चैप्टर भी है, आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है? क्लियर आयुषी? भाई आयुषी का लाख लाख शुक्र है कि भाई कोई बंदे ने तो माइक्रोफोन ऑन करके डाउट पूछा, मैं ये सोच रहा था तुम लोग डाउट नहीं पूछोगे ना, मैं बोर हो जाऊंगा। ओके 1955 में सॉरी कोरोना हो गया, एसबीआई 1955 में बना, 1956 में ये नेशनलाइज हो गया। क्या हो गया? नेशनलाइज हो गया। भाई नेशनलाइज का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कोई बता दो नेशनलाइज का मतलब क्या होता है। जुनैद आज तो गगन भी नहीं बोल रहा, गौरव आज, स्वप्निल बताओ, खत्म हो गए सारे बैंक, सारे बैंक खत्म हो गए थे मतलब? एट बैंक्स में, आई थिंक एट बैंक्स नेशनलाइज हो गए थे। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है ये बताओ, अगर कोई बैंक नेशनलाइज हो। Priya has asked a question, there are a lot of years, how we are gonna remember it? See, I can give a funny answer that you should have a lot of bata, okay? If you ask me a straightforward answer, revision, maximum revision, okay? So even if you don't have a substance to teach anyone, like you should be able to teach others, that's when you become a good student. Nationalized bank ka matlab hota hai ki bhai agar us bank mein 100% जो एड बैंक नेशनलाइज होते हैं वो स्टेट बैंक है वो, मैं वो नहीं पूछ रहा, वो तो रिसेंटली हुआ था ना, मैं बस ये पूछ रहा हूँ नेशनलाइज, नेशनलाइज का मतलब गवर्नमेंट ओन करती है, सोच के बता। वेरी नियर, यू आर नियर बट यू आर वेरी फार। बता भाई, अगर एक बैंक में 100% शेयर्स हैं, 100% शेयर्स हैं, तो अगर उस बैंक के मोर देन 50%, दैट मींस 51 और अबव परसेंट शेयर्स गवर्नमेंट के हैं, 50% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के हैं, देन द बैंक इज कंसिडर्ड टू बी एज अ नेशनलाइज्ड बैंक, क्लियर और नॉट? 50% or 50% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है या पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है, तो बैंक इज टर्म्ड एज नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है? 1956 में एसबीआई में जितने भी शेयर्स थे उसमें 50% से ज्यादा भारत सरकार के थे, दैट मींस मोर देन 50% शेयर्स वाज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो एसबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन ईयर 1956, पेपर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है? क्लियर भाई? बाकी विष्णु चरण, यशिका, सुलेद, स्वप्निल, रोहन, प्रिया, नैना, नैना माइक्रोफोन ऑन करो, गौरव, दीपाली, आयुषी, अविरल, अंजलि, हफ्ते में एक दिन दो दिन तो आता हूं मैं परेशान करने, परेशान हो जाए करो। ओके अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, हम भारत के कुछ ओल्ड बैंक की चर्चा करते हैं, देखो ये स्लाइड में जो मैंने पढ़ा है यहाँ के ही होगा, ठीक है? हाँ, ये सब यहीं पे लिखा है, यहाँ से अच्छे से नोट्स बना लेना, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो यहाँ पे मेरे स्लाइड्स में है, ठीक है? मैंने भावनाओं में स्लाइड चेंज नहीं करा। अब एक बात बताओ, इंडिया के कुछ ओल्ड बैंक्स बताओ, ओल्ड भारत के कुछ प्राचीन बैंक्स, ओल्ड बैंक्स। सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, अब आंसर देना। अलाहाबाद बैंक इंडिया का एक ओल्ड बैंक है, अलाहाबाद बैंक, ठीक है? आपने दिल्ली वगैरह में भी काफी, अलाहाबाद से कोई है भाई? तनु मैम को छोड़ के, तनु मैम अलाहाबाद से, बताओ केशव है? अविरल, अविरल नहीं, अविरल अलाहाबाद से, ओके कूल। अलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज दिस बैंक एस्टैब्लिश्ड? अलाहाबाद बैंक, वेरी गुड जुनैद, जुनैद अपने मंजिल के करीब पहुंचते हुए, 1865 अलाहाबाद बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1865, अलाहाबाद बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड। इन ईयर 1865, ठीक है? 1865 में ये बैंक एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक
ठीक है, ये लिख लेना भैया, ये पेपर में आता है अलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी। अगला पूछता हूं मैं आपसे, अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, OUDH, अवध नहीं अवध, अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी। When was this bank established? Awadh Commercial Bank. कब हुई थी Awadh Commercial Bank की स्थापना? कौन बताएगा? कब हुई थी? I guess 1880. No. Anjali Jain is correct. Abhiral थोड़ा सा पीछे रह गया. It was 1881. So, Awadh Commercial Bank की स्थापना 1881 में हुई थी, ठीक है? और ये जो बैंक है, इसका जो लोकेशन है, ये कहां पर है, कौन बताएगा? एग्जैक्ट लोकेशन कोई बता पाएगा? देखो मैं थोड़ा इनडेप्थ जरूर ले जाऊंगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं फायदा करेगा इंटरव्यूज वाला में। वेरी गुड, फैजाबाद यूपी में करा था, फैजाबाद, फैजाबाद यूपी में। अविरल ने आंसर दिया है अवध कॉमर्शियल बैंक फैजाबाद यूपी में 1881। ओके, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? नैना, नैना माइक्रोफोन ऑन करो जरा, समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरे को आपकी। हेलो, हाँ नैना समझ में आ रहा है? मेरे से कोई दुश्मनी है? नो सर। फिर डाउट्स क्यों नहीं पूछते हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सो व्हाट, इवन आई हैव मिस्ड फॉर लाइक आई हैव मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, नाउ आई एम टॉकिंग टू यू ना, यस सर, ना, इज देयर अ प्रॉब्लम, इज देयर अ कम्युनिकेशन गैप? नो सर, नथिंग। आर यू चिल्ड कंप्लीटली? यस सर। ओके, यू आर फ्रॉम व्हिच प्लेस ऑफ इंडिया? दिल्ली सर। दिल्ली, दिल्ली में कहां पे? द्वारका। अच्छा, यू आर फ्रॉम द्वारका, सो यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ? यस सर। बताओ अवध कॉमर्शियल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1881। वेयर इट वाज एस्टैब्लिश? फैजाबाद। फैजाबाद कहां पर है? उत्तर प्रदेश। ओके, अलाहाबाद बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1865। ओके, पंजाब नेशनल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? बोलो, जितना पढ़ा है उतना ही तो आएगा, है ना? है ना? चिल आउट यार, डोंट वरी, रिलैक्स एंड लर्न। ओके, देखो हमारा मकसद है कि जुनैद की मदद करना, हम लोग सब मदद कर पढ़ के जुनैद की मदद करेंगे, है ना जुनैद भाई? तू बुरा तो नहीं मानता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, है ना? चिल रहा का, बिल्कुल हम सब मिलके जुनैद की मदद करेंगे। जुनैद को क्या चाहिए? जॉब करेगा, क्या करेगा सुनैद? शादी है, शादी। देख पूरी दुनिया पैसे कमाने के लिए जॉब करते हैं, और जुनैद को जॉब करके शादी करनी है, है ना? तो हम सब इतना अच्छा पढ़ेंगे कि जुनैद की शादी हो जाए। ओके, पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये आंसर सुनना, केशव आंसर दे रहा है, अविरल भी आंसर दे रहा है, केशव का सपोर्ट। अच्छा, केशव और मुकुल ने सपोर्ट दिया है, आंसर नहीं दिया। अविरल कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक पाकिस्तान में एस्टैब्लिश हुआ था। वेरी करेक्ट, पंजाब नेशनल बैंक पाकिस्तान में ही एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है? तब इंडिया पाकिस्तान भाई भाई थे, हम साथ में थे, पाकिस्तान में एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, पाकिस्तान में कहां पर, एग्जैक्ट लोकेशन, सिंध प्रोविंस में नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। लाहौर। वेरी गुड, लाहौर में हुआ था, ठीक है? ओके, और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1896। नहीं, तू एक कम या ज्यादा बोलता है? 1895। सो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था 1895 में। ओके, 1895 में हुआ था भाई, ठीक है? अविरल ठीक है?
ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक लाहौर पाकिस्तान 1895। ओके पक्का स्वप्निल, अब स्वप्निल नहीं बोल रहा, विष्णु नहीं बोल रहा, यशिका नहीं बोल रही, मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है। आयुषी समझ में आ रहा है? ओके डन। अब हम बात करते हैं भारत में यार कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं कि आजादी के टाइम पे, हमारे जो आजादी के टाइम पे लोकल लीडर्स थे, लोकल लीडर्स आजादी के टाइम पे लोकल लीडर्स ने एस्टैब्लिश करा था, जो भी मतलब फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एस्टैब्लिश करा था। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, सम ऑफ द बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय लोकल लीडर्स, एस्टैब्लिश्ड बाय लोकल लीडर्स ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है ये बताओ जरा मुझे। स्वदेशी मूवमेंट सर जो विद इन द नेशन हो, मतलब जैसे इंडिया तो फॉरेन का कुछ हो ना हो, स्वदेशी बैंक है वही चला रहे, वहीं के लोग काम कर रहे हैं शायद। अंजलि जैन पूरी हिस्ट्री बन गई मेरे से, अंजलि जैन बताओ, अंजलि जैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाया था जिसमें कि बाहर की चीजों का बायकॉट किया था और जो अपनी स्वदेशी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए बोला था। एक और बार प्यार से हम लोगों को समझाना, गुस्से में नहीं एकदम प्यार से। ये महात्मा गांधी ने चलाया था और इसमें जो भी बाहर की चीजें थी उनका बॉयकॉट करने बोला था और जो भी इंडियन में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था उसको यूज करने बोला था। वेरी करेक्ट, ये मूवमेंट मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, इन विच ब्रिटिश गुड्स एंड ब्रिटिश मिशनरीज वर बॉयकॉटेड, मतलब ब्रिटिश के चीजों को बहिष्कार किया गया था, ब्रिटिश के गुड्स को बहिष्कार किया गया था और इंडियन चीजों को प्रमोट किया गया था, लाइक इंग्लिश लिकर का बहिष्कार किया गया था, अल्कोहल जो लिकर होता है अल्कोहल उसका बहिष्कार किया गया था, इंग्लिश क्लोथ्स का बहिष्कार किया गया था, इंग्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बहिष्कार किया गया था, एट द सेम टाइम इंग्लिश बैंक्स का भी बहिष्कार किया गया था और कहा था कि हम इंडियन चीजों को प्रमोट करेंगे और इंडियन बैंक्स को प्रमोट करेंगे, इंडियन चीजों को प्रमोट करेंगे या इंडियन बैंक्स को प्रमोट करेंगे। ये बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट है। ठीक है, तो इस स्वदेशी मूवमेंट के मेड इन इंडिया टाइप, वेरी गुड रेशियो, इस मूवमेंट के टाइम पे काफी सारी इंडियन बैंक्स को प्रमोट किया गया था, इस मूवमेंट के टाइम पे काफी सारी इंडियन बैंक्स को प्रमोट किया गया था, लाइक सॉरी कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, तो उस मूवमेंट के टाइम पे जो बैंक्स एस्टैब्लिश हुई थी मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, अब स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे कॉर्पोरेशन बैंक 1906 में एस्टैब्लिश हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया 1906, कैनरा बैंक 1906, इंडियन बैंक 1907 और बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। ये वो बैंक है जो कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे या इंडियनाइजेशन ऑफ द बैंक्स, इंडियनाइजेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा बैंक्स इंडियन बैंक्स या इंडियंस का रोल हो बैंक्स में, उस मूवमेंट के टाइम पे ये बैंक्स एस्टैब्लिश करी थी। ठीक है, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट दिस बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड, कॉर्पोरेशन बैंक 1906, बैंक ऑफ इंडिया 1906, कैनरा बैंक 1906, इंडियन बैंक 1907 एंड बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताएं आप, ये डेट्स देखकर आपको अंजलि जैन मत बताना क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे से पढ़ चुके हो। ठीक है, ये छोटी सी चीज देखकर आपको पता चल रहा है इस बैंक के बारे में कुछ पता चल रहा है, इस बैंक के बारे में आपको कुछ पता चल रहा है या इस डेट्स के बारे में क्यों कुछ पता चल रहा है? मैं ऊपर से पूछना शुरू करता हूं, अविरल को कुछ पता चला इससे? आयुषी बताओ, माइक्रोफोन ऑन करो, अविरल तो नहीं ऑन कर पाएगा, आयुषी बताओ बेटा। सर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता चल रहा ये बैंक देखकर, मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि आप किस वे में पूछो, मतलब कुछ स्पेसिफिक। हाँ, ये पांच बैंक्स आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस बैंक्स आपको इससे कुछ पता चल रहा है इस बैंक में एक चीज कॉमन है, ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात। नहीं बताओ,
एक चीज कॉमन है, एक दो साल में मैं नहीं, बताओ 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 पक्का। आयुष, यू आर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, देखो ये अंजलि जैन भी मध्य प्रदेश से। ओके, दोस्त मिल गए ना आपको। अच्छा वैसे एक बताओ, प्रिया, प्रिया ने माइक्रोफोन ऑन नहीं करा। रोहन, रोहन बता भाई। सर यही कि आसपास ही बने हुए हैं, एक एक डेकेड, एक डेकेड के उसमें। ना ना ना, अरे यार इंडियन बैंक्स का प्रमोशन की बात करी है तो ऑब्वियसली इंडियन बैंक्स होगा ना। सुने यशिका, यशिका रोहन नहीं बताया, यशिका, यशिका बताएं, यशिका, यशिका, yes, यशिका बताओ क्या कॉमन है इस बैंक में, जल्दी बताओ। तो पता नहीं लग रहा, सोचो यार, अपने इर्द गिर्द जाग के देखो। तुम लोग सब गधे हो, तुम सब पिटोगे मुझसे। दीपाली, गौरव बताना ना, ना बंगाल पार्टीशन से कुछ लेना देना। गौरव, गौरव त्यागी, गौरव का माइक्रोफोन ही ऑन नहीं हो रहा। अब मेरे को बताएंगे नैना, बताएं प्लीज, माइक्रोफोन तो ऑन कर लीजिए। नैना कह रही है मुझे भी नहीं आता, ये कह रही होगी। Yes sir, I don't know. Very well. These banks, one bank divided into five banks. No, these are all banks. These five banks are banks which exist till now. अगर आप अपने इर्द गिर्द देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन बैंक मिलेगा। अगर आप ये अपने इर्द गिर्द देखोगे तो आपको बैंक ऑफ इंडिया भी मिलेगा, आप देखोगे कैनरा बैंक भी मिलेगा, इंडियन बैंक भी है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। ये सारे बैंक आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स अरे सुन ले केशव, ये कॉमन नहीं है। इस बैंक में ऐसा कौन सा बैंक है जो एग्जिस्ट नहीं करता? दैट मीन्स दिस ऑल बैंक्स आर 1 century old bank, 100 साल पुराने banks हैं, 1906, 1907, 1908, अगर आपसे पूछा जाए 100 साल पुराने banks के नाम बताओ तो आप ये banks के नाम लिख सकते हो। अब कॉमन हो गया, 100 साल पुराने banks है, कॉमन हो गया केशव। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मिस कर जाते हैं, ठीक है। So this banks established during Swadeshi movement exist till now, and these banks are also 1 century old banks. 1 century old banks. Clear? Okay. आगे चले। Yes sir. अब मुझे बताओ, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बताएं। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरबीआई, ठीक है, एसबीआई नहीं, आरबीआई, बैंक ऑफ ऑल बैंक्स, सारे बैंक्स के लिए रूल्स वही बनाती हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आरबीआई किसने एस्टैब्लिश करा था? विच बैंक पर्सन और विच कंपनी और विच कमीशन एस्टैब्लिश्ड आरबीआई? आरबीआई की स्थापना किससे करी थी? बताओ, आरबीआई ब्रिटिश राज में हुआ था एग्री, बट किसने करा था? आरबीआई की स्थापना किसने करी थी? मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये एक दो टॉपिक और पढ़ाऊंगा फिर मैं छोड़ दूंगा। बताओ आंसर को, ज्यादा मैं थकाता नहीं बच्चों को। आरबीआई की स्थापना किससे करी थी बताए? अंजलि जैन? ना ना भाई, नहीं नहीं, उस कमिटी या कमीशन का नाम क्या है? अंजलि माइक्रोफोन ऑन कर ले बेटा, जल्दी से बताओ। सर ये हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने एस्टेब्लिश किया था। डायरेक्ट आंसर है हिल्टन यंग कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन।
हिल्टन, यंग कमीशन या रॉयल कमीशन, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन, इसने आरबीआई की स्थापना करी थी. सो आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन. ओके, इन विच ईयर? अविरल ने आंसर दिया है, अविरल ने गूगल किया है, अविरल गूगल किया है ना, 1937 और पहले सोच के बताओ आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था. 1935. सोच के क्या बोला था, अब किसने बोला था, स्वप्निल ने. 1935. Yes, RB, right answer. 1st April 1935. April 1st, 1935 को RBI की स्थापना हुई थी. April 1st, 1935 को RBI की स्थापना हुई थी. So this was established by Hilton Commission or Royal Young Commission. April 1st, 1935 को RBI की स्थापना हुई थी. Agreed or not? Clear? RBI के बारे में और चीजें मैं आगे बताऊंगा. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अविरल कह रहा है मैंने गूगल नहीं किया. ठीक है अविरल, मैं मजाक कर रहा हूँ. ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे आरबीआई के सब्सिडरीज क्या है, मतलब जो डायरेक्ट आरबीआई के अंडर आते हैं, सब्सिडरीज, एक आई मिस हो गया, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई जो कि आरबीआई के डायरेक्ट अंडर आते हैं, बताएं कौन कौन है आरबीआई के सब्सिडरीज, आरबीआई के सब्सिडरीज कौन कौन है. बताओ विच ऑल आर द सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, विच ऑल आर द सब्सिडरीज और आरबीआई बताओ, विच ऑल आर द सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई. इसका मतलब जो कि आरबीआई के डायरेक्टली अंडर आते हैं और किसी बैंक के अंडर नहीं आते, डायरेक्टली आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं. लिख लो, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई आर डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये आरबीआई का डायरेक्ट सब्सिडरी है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी. डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और डायरेक्टली आरबीआई डायरेक्टली इसको गवर्न करती है. ठीक है, अगला अंजलि जैन ऑलरेडी बता चुके हैं, नबार्ड 1982 में स्थापना हुई थी, इसका नाम है नबार्ड 1982 में, और इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नबार्ड. सॉरी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. अगला है नेशनल हाउसिंग बैंक इज 1988. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 और नेशनल हाउसिंग बैंक 1988. ठीक है, और एक और लिख लो, ये सारे मैंने अभी तीन लिखवा दिए, कौन कौन से लिखवाए जुनैद बताना जरा मेरे को. डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन 1987, नबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982, वेरी करेक्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988. एक और लिख लो, भारत तीन है,
भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड, मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड जो हमारे नोट प्रिंट करती है, जो नोट प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होती है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड 1995, ये आरबीआई की सब्सिडीज है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड 1995, ये सारी आरबीआई की डायरेक्ट सब्सिडी है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है बता दो, अगर डाउट है तो अभी क्लियर करो। अच्छा, अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ेंगे, तब तक आप इसको, बैंक्स के काफी टाइप्स होते हैं, ठीक है, आप उसको तैयार, इसको अच्छे से पढ़ें, इसको अच्छे से पढ़ें। यार मैं एक चीज फिर कहूंगा कि बोलना चाहूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको अच्छे से नोट्स तैयार कर लो, पीपीटी ऑलरेडी आपके पास है, हर सब्जेक्ट की मेरी पीपीटी ऑलरेडी तैयार होती है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एवरी सब्जेक्ट, आप अच्छे से उसको तैयार कर लो, और तैयार करने के बाद आप अगली क्लास में आओ, मैं पढ़ाऊंगा, साइड बाई साइड लर्न करते जाओ, ठीक है, आगे पढ़ा दूं या नेक्स्ट क्लास चाहिए बताओ, चॉइस इज योर्स, टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ाना, चॉइस इज योर्स, जल्द। हाँ सर, ये जो जनरल बैंक ऑफ इंडिया था ये 1986 में एस्टैब्लिश हुआ था और क्लोज हो गया था 91 में, तो सर किसने बोला, पहले पहले बताओ कि एक बार ध्यान से वो डेट देखो, एक बार ध्यान से देखो, 1786, सॉरी सर, सॉरी सॉरी, अब पूछो, 1786 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड 1791 में वो क्लोज हो गया था, तो इसके कोई रीजन, कोई स्पेशल रीजन किस चीज के कि एस्टैब्लिश क्यों हुआ था? नहीं सर, कि ये 5 साल के अंदर अंदर बंद क्यों हो गया था? प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा ना बच्चों, प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, कोई चीज आप दुकान खोल दो तो प्रॉफिट नहीं होगा तो बंद कर दो सर, मतलब वैसे कोई रीजन नहीं था, कुछ पॉलिटिकल रीजन या कोई वैसे? ना ना ना, प्रॉफिट, इट ऑल कम्स टू प्रॉफिट, आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू जनरेट गुड प्रॉफिट देन यू आर इन गुड स्पेस, समझे? चलो, विल डू दैट इन नेक्स्ट क्लास, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू हैव अ टॉक, कितना अच्छा लगता है जब हम बात कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ जो मेजर थोड़ा कोरोना ले जाओ, आप अपना कोरोना यहाँ दे जाओ, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड, स्टे सेफ, एंजॉय योर लाइफ। हाँ एक मिनट रोहन बोल बोल। सर बैंक के ऑपरेशन के लिए जो बैंक सक्सेस होता है, ये जनरल क्वेश्चन है कि बैंक की सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी, ये जितने ही बैंक्स बंद हुए, बैंक को चलाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? बैंक को चलाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सब कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग। आप प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी करो, आप ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आप अपना सारा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अगर आपको बैंक चाहिए तो आपको अपना कैपिटल को प्रिजर्व करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम ऐसा इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन देना पड़ेगा कि लोन आप लोग आके आपसे लोन ले, समझ रहे हो? अगर एक इंसान लोन लेने का रिटर्न पेमेंट करने के लिए, अगर इंडिया में अक्सर होता है कि लोन का रिटर्न पेमेंट करने के लिए लेट हो जाता है तो उसके घर पे गूंस भेज दिए जाते हैं, गुंडे भेज दिए जाते हैं, ठीक है, तो क्या एक इंसान के साथ ऐसा करा तो अगला इंसान वहां से लोन लेगा? नहीं लेगा, कुछ टाइम के बाद वो बैंक का फंक्शनिंग बंद हो जाएगा, और मोर इम्पोर्टेंटली आप प्रॉफिट ओरिएंट करने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को नहीं भूल सकते और आप प्रोसेस को नहीं भूल सकते, सो मेजर इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड योर प्रोसेस ऑफ वर्किंग, ठीक है? तो बैंक के ऑपरेशन में आप इतना, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे बैंक है बिजनेस, यू हैव टू मेक प्रॉफिट, बट एट सच अ रेट एंड सच अ लेवल जिससे आप ज्यादा मार्केट एक्वायर कर सको, एज अपोज टू कि आप थोड़े टाइम के लिए उसको चलाओ, क्योंकि अगर आप थोड़े टाइम के लिए ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे बैंक बंद हो जाएगा। ऑब्वियसली देखो, आप ये देखो, हर बैंक्स, व्हाई डू डिफरेंट बैंक्स कम अप विद डिफरेंट स्कीम्स, व्हाई डू डिफरेंट बैंक्स हाउसिंग स्कीम्स, लोन स्कीम्स, बिकॉज दे वांट टू कैप्चर द मार्केट, once they capture the market and satisfy the customers, then only the customers will be linked to them. Right,
why will you go to a bank, why will you go to a bank which is not able to give you a loan at a lesser interest rate? Okay, correct. Why will you interact with a bank which is not giving you proper return for your security you have deposited? Agar aap ek bank mein jaake you are depositing something, you should get a proper monetary benefit out of that. Okay, and there should, that's the major role that bank should have, the profit in their mind, but at the same time the satisfaction level of the customer should be there. Right. And that, when the bank is able to strike a balance between them, then only the customer will be in a right space to approach a bank, and then the bank will also have the confidence to approach the customer. एक बार आपसे कोई बैंक एक अनप्रॉपर या अनएथिकल बिहेवियर करता है, देन यू वोंट बी द पर्सन हु विल बी गोइंग टू द सेम बैंक. राइट. आप अपने घर पे एक छोटी सी चीज खरीदते हो, ठीक है, एक शॉपकीपर ने आपको, मतलब उसको चीज को जस्टिफिकेशन के साथ नहीं दिया, देन व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन? आप उस शॉप में कभी दोबारा नहीं जाओगे, है ना? आप बेशक वहां से खरीदना पसंद करोगे जहां से आपको एक रुपए ज्यादा दे ज्यादा देना पड़े, बट आपको उस चीज की वैल्यू मिले. सो इट इज ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड हाउ इज बैंक इज अप्रोचिंग विद द थिंग्स. ठीक है रोहन? ओके सर. ओके. जुनैद हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन सर, जो स्वदेशी मूवमेंट थी और जो आज की डेट में मेक इन इंडिया चल रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है? मेक इन इंडिया और स्वदेशी मूवमेंट का डिफरेंस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन. इनका भी क्वेश्चन अच्छा था. स्वदेशी मूवमेंट, आई रिस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई वांट यू टू कम विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके जुनैद, आपका आंसर है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्वदेशी मूवमेंट, आप एक चीज समझिए कि वी वर रूल्ड बाय अ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ओवर अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स. 200 साल हमारे ऊपर राज करने वाली थी ईस्ट इंडिया कंपनी. वहां से हमें ब्रिटिश साम्राज्य को गिराना था, अपने पद से हटाना था. वी हैड टू स्ट्राइक देम ऑफ, उसको अपने पद से या हमारे ऊपर जो उन्होंने दबदबा कायम कर रखा था, द वे दे वर एम्पावरिंग अस, उसको हटाने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी कि उनकी चीजों को बहिष्कार करें और हमारी चीजों को प्रमोट करें. ठीक है, और उसको करने के लिए उस साम्राज्य उस साम्राज्य को गिराने के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो लोकल लीडर्स हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता. सो इट वाज बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट वाज टू डिस्पोज अ पॉलिटिकल पावर हु वर रूलिंग अस ओवर मेनी इयर्स. बट अगर मेक इन इंडिया की बात करें, ये हमारे ऊपर अभी एट प्रेजेंट टाइम कोई भी रूल नहीं कर रहा. इंडिया अपने आप में एक बहुत एम्पावर्ड नेशन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन. ठीक है, हम अपने प्लेटफॉर्म को हम पूरी दुनिया के लिए ओपन कर रहे हैं. कम एंड मेक इन इंडिया, इसका दो मतलब है. इंडिया में इंडिया की चीजें बनेगी, ठीक है, जिससे हमें फॉरेन मार्केट में जो डिपेंडेंस है वो खत्म करें. हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया में चीजें मेक करेंगे, जैसे हम फॉरेन क्लोथ के लिए बाहर के कंट्रीज में, हम रीबॉक के जूते या वुडलैंड के जूते या एडिडास के जूते या जूते पहनना पसंद करते हैं. वी लाइक कार्स लाइक BMW, मर्सिडीज, Volkswagen, ये कार्स हमें पसंद है. हमें मारुति एम्बेसडर पसंद नहीं आता. क्यों भाई? हमारी इसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है. सो व्हाट मेक इंडिया सजेस्ट इज, इंडिया में क्वालिटी आइटम्स को प्रमोट करो, बनाओ, ठीक है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करो और उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो. और दूसरा क्या है, कम एंड मेक इन इंडिया, कम एंड मेक इन इंडिया. उस टाइम पे हम उनको भगाने की बात कर रहे थे कि जाओ, यू डोंट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इनटू आवर पर्सनल अफेयर्स. अब हम कह रहे हैं कि आओ दुनिया वालों, कि हमारे देश में बनाओ, हमारे देश में बनाओ, जिससे हमारी यूथ पीढ़ी को, दोस जनरेशन हु आर कमिंग अप विद आयरन आर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ संकल्प के साथ जो हमारा अगला देश आ रहा है, हमारी जो यूथ जनरेशन आ रही है, यूथ आ रही है, उनको जॉब प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज का बहुत होना जरूरी है, वरना हमारा देश कॉल सेंटर्स के लिए भी डिपेंड कर दिया रह जाएगा. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, दो देशों का एग्जांपल देता हूँ, इंडिया और बांग्लादेश. बांग्लादेश हमारे से कंपैरेटिवली काफी छोटी इकोनॉमी है. इंडिया में लोगों को कॉल सेंटर्स के थ्रू जॉब मिलती है. कॉल सेंटर्स क्या होता है, एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है. सर्विस बेस्ड इकोनॉमी मतलब US कंपनीज के कॉल सेंटर इंडिया में. आप देखोगे तो बोलते हैं नोएडा गुड़गांव में बहुत सारे कॉल सेंटर्स है. भाई कॉल सेंटर्स क्या है, US वाला एक US की कंपनी है, सपोज US की कंपनी है,
वो अपने सर्विस प्रोवाइडर यूएस में ही लगता है, तो उस दिन को उस एक दिन के लिए आप उसको $400 $500 देने पड़ेंगे एक दिन के लिए, या एक हफ्ते के लिए $600 $800 देने पड़ेंगे, तो उसका उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, राइट। बट वही कॉल सेंटर इंडिया में हो तो भाई जो इंजीनियर जो भी कुछ करके निकला है, बेरोजगार यंग जनरेशन जो है, वो 15,000-16,000 रुपए में उसका मंथली काम कर देते हैं, ठीक है। क्या है, इसको थोड़ा इंग्लिश में ट्रेन करना पड़ता है, एग्जैक्टली। बट यूएस का जब मूड खराब हो जाए, यूएस का जर्मनी का जब मूड खराब हो जाए, या उनको हमसे सस्ता एक देश मिल जाए, वो अपने कॉल सेंटर यहां से शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए। बट उसी तरफ आप बांग्लादेश की तरफ नजर देखो, बांग्लादेश एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे दुनिया में सबसे बेहतरीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनते हैं, कपड़े बनते हैं। और अगर आप बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ की बात करो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइस राइज की बात करो, तो वो इंडियन जीडीपी से ज्यादा है। क्यों? मैन्युफैक्चर वहीं पर हो रहे हैं, कपड़े वहीं पर बन रहे हैं, रॉ मटेरियल्स वहीं पर बन रहे हैं, लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो जब तक आप अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग का स्तर ऊंचा नहीं करोगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। तो मेक इन इंडिया का मकसद है इंडिया में आओ, इंडिया में बनाओ, या तो इंडियन को प्रमोट करने की भाई इंडिया में बनाओ, डिफरेंट समझ गए। और वो क्या था, स्वदेशी मूवमेंट, कि भाई इंडिया से जाओ, हम खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। समझ में आगे सुने? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ओके, चलो बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।